देश में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और इसी का परिणाम है कि देश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जैसे गरीबों को मिला 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, हजारों जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएम अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना आसान हुआ है। 2014 में देश में 8 एम्स थे और अब एम्स की संख्या 23 हो गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड वृद्धि से देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एम्स गुवाहाटी का लोकार्पण किया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र में अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुए एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। 750 बेड्स के इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसानी से कराया जा सकता है। अस्पताल में इलाज से संबंधित हाईटेक मशीनें, जांच सेवाएं और कुशल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम उपलब्ध है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिए MBBS की 100 सीटें और नर्सिंग शिक्षा की 60 सीटें हैं। एम्स गुवाहाटी में आयुष सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मरीजों के लिए टेली मेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की पूरी व्यवस्था है। एम्स गुवाहाटी के बन जाने से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर के नजदीक आसानी से मिल सकेगा। असम के साथ साथ नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही एम्स गुवाहाटी के बनने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प खुल गए हैं। स्वस्थ भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम है एम्स गुवाहाटी, जिसके माध्यम से अब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना संभव हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराकर होलिस्टिक हेल्थ केयर सुनिश्चित करेगा एम्स गुवाहाटी।